हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रीति। प्रीति की रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज हम बनाएंगे जन्माष्टमी के लिए धनिया का पंजीरी। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नए नए वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। हम गैस जलाएंगे, कढ़ाई रखेंगे और ये धनिया डालेंगे। ये 40 ग्राम धनिया था और एक कटोरी से थोड़ा सा कम इसको हम भून लेंगे। लगातार चलाते हुए भून लेंगे और हमने 6 मिनट भूना है इसको। हमारा भून गया धनिया, अब हम इसको निकालेंगे। तो निकाल लेते हैं बाउल में और इसको ठंडा करेंगे। ठंडा करके पीसेंगे। ये शक्कर है, 100 ग्राम है, हम इसको पीस लेते हैं। कप से आधा कप है, ग्राइंडर में डाल के पीस लेंगे। ये हमारा पीस गया। अब हम धनिया पीसेंगे, हमारा ठंडा हो चुका है। अब धनिया पीस लेते हैं। ये देखिए हमारा पीस गया, अब बाउल में निकाल लेते हैं। अब हम डालेंगे इसमें शक्कर जो हमने पीसा था। पहले आधा ही डालेंगे, फिर मिक्स करेंगे, फिर पूरा डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। और इसमें थोड़ा शक्कर ज़्यादा लगता है और इसमें हम शुद्ध घी डालेंगे 2 चम्मच और इसको मिक्स करेंगे थोड़ा चम्मच से। उसके बाद हाथ से करेंगे और आप घी ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अब देखिए हम अच्छे से इसको मिक्स करेंगे जब तक मिक्स ना हो जाए। और अब हम डालेंगे 5 से 6 काजू, हमने बारीक काट लिया है। 5 से 6 बादाम, इसको भी बारीक काट लिया है, डाल देंगे। और ये 6 से 7 किशमिश है, डाल देंगे। ये बड़ा बड़ा था तो हमने 20 से कट कर लिया था। और ये 2 चम्मच नारियल है, बारीक काट लिया है, डाल देंगे। और ये सूखा नारियल है। और ये 8 से 10 मखाने हैं, डाल देंगे छोटा छोटा, इसको भी काट लिया है मैंने। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे जब तक बढ़िया से मिक्स ना हो जाए। हम मिक्स करते रहेंगे, 1-2 मिनट लगेगा इसको मिक्स करने में बढ़िया से। और ये देखिए हमारे मिक्स हो गए अच्छे से। अब ये हमारा बन गया धनिया का पंजीरी। आपको ये रेसिपी कैसी लगी, भगवान का भोग प्रसाद पंजीरी, कमेंट में ज़रूर बताएं। और ये भगवान का प्रिय प्रसाद है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।